नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, दिस इज राम खान एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आपको मालूम है, आज से 10 दिन पहले करीब मैंने एक मोबाइल परचेज किया था, रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स। ये रहा वो मेरा चमचमाता हुआ ब्लैक कलर का मोबाइल फोन। अभी मैंने चिट वगैरह भी नहीं छोड़ाई है। इस मोबाइल की अनबॉक्सिंग वीडियो बना के मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं और उस वीडियो के मजे ले सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था गाइस कि इस मोबाइल को करीब 10 या 12 दिन तक प्रॉपरली यूज़ करने के बाद आप लोगों के लिए इस मोबाइल का एक रिव्यू लेकर आऊँगा। उसमें इस मोबाइल की सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो फाइनली वो वीडियो यही है गाइस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 10 दिन से मैं इस मोबाइल को जो यूज़ कर रहा हूं, तो 10 दिन से इस मोबाइल के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, इस मोबाइल में क्या क्या अच्छी बातें हैं, क्या क्या इस मोबाइल में फॉल्ट हैं, क्या क्या इसके प्लस पॉइंट हैं, क्या क्या इसके माइनस पॉइंट हैं, इसके बैटरी बैकअप से लेकर इसके वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी, सब कुछ के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो अगर आप इस मोबाइल को बाय करना चाह रहे हैं या फिर आप इस मोबाइल को ऑलरेडी बाय कर चुके हैं, तो इस वीडियो को प्लीज़ केयरफुली वॉच कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो कुछ ना कुछ आपको हेल्प ज़रूर प्रोवाइड करे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं इस मोबाइल का रिव्यू स्टार्ट। उससे पहले गाइस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर में कभी भी इस तरह के चमचमाते हुए मोबाइल सेटों का रिव्यू लेकर आऊँ तो आप मेरी किसी भी वीडियो से मिस ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, तो इस मोबाइल का रिव्यू करने से पहले जान लेते हैं शॉर्ट में इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि क्या क्या इस मोबाइल में खूबियां हैं। तो इस मोबाइल की अगर फीचर्स की बात की जाए गाइस, तो ये मोबाइल आपको मिलता है 3 वेरिएंट में, 1 GB रैम, 64 GB इंटरनल मेमोरी के साथ, 6 GB रैम 128 GB मेमोरी के साथ जो कि मैंने परचेज किया है, और थर्ड मिलेगा आपको 8 GB रैम 128 GB इंटरनल मेमोरी के साथ। तीनों मोबाइल में आप SD कार्ड लगाकर इसकी मेमोरी को 512 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। स्क्रीन साइज की बात की जाए गाइस, तो 6.67 इंच की आपको इसमें फुल HD डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी। कैमरे की बात की जाए तो 64 MP इसका बैक कैमरा है और 32 MP आपको इसमें फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलेगा। बैटरी की बात करें गाइस, तो इसमें 5020 mAh की हाई कैपेसिटिव बैटरी विद 30W फास्ट चार्जर के साथ आपको यहाँ पे प्रोवाइड है, जो कि 1 घंटे में आपका फ़ोन फुल्ली चार्ज कर देगी। प्रोसेसर की बात की जाए तो इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर लगाया गया है गाइस, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G 2.3 GHz ऑक्टोकोर प्रोसेसर आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत ही हैवी प्रोसेसर है। गेमिंग वगैरह में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन आपको इसमें फ्रंट बैक दोनों तरफ मिल जाती है, जो कि आपके मोबाइल की सेफ्टी को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा देता है। उसके बाद अगर कैमरा लेंस की बात की जाए गाइस, तो पीछे जो हमें ये कैमरा मिलता है ये पूरा स्प्लैश प्रूफ है, पानी वगैरह की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बाय चांस इसमें पानी भी गिर जाता है तो भी कैमरा हमारा पूरा प्रोटेक्टिव रहेगा। कलर्स की बात की जाए गाइस, तो इस मोबाइल में आपको 3 वेरिएंट देखने के लिए मिलेंगे, पहला ओरेरा ब्लू, दूसरा इंटरस्टेलर ब्लैक और तीसरा ग्लेशियर व्हाइट। रिव्यू की ओर बढ़ते हुए गाइस बात करते हैं इस मोबाइल के डिज़ाइन की। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो कैमरा प्लेसमेंट है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बस इसमें एक दिक्कत है गाइस, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें थोड़ा सा, ये अगर आप इसको उल्टा करके रखेंगे तो आपको ये हिलता डुलता थोड़ा सा नज़र आ सकता है, जो कि आपको थोड़ा बहुत इरिटेट फील कर सकता है। बाकी बैक डिज़ाइन इसका ऑसम है, एकदम क्लासी लुक प्रोवाइड कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही शाइनिंग सेट है गाइस। फ्रंट लुक भी इसका एकदम मज़ेदार है। स्क्रीन की बात करें गाइस, तो यहाँ पर एकदम मॉन्स्टर स्क्रीन हमें देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पर वीडियो प्ले कर दिखाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं कोई एचेस वगैरह ज़्यादा बड़े नहीं हैं, फुल स्क्रीन पर हम अपनी फुल वीडियो का मज़ा ले सकते हैं। तो स्क्रीन बहुत ही शानदार है, मुझे तो इसकी स्क्रीन बहुत ज़्यादा पसंद आई गाइस। मेरी तरफ से इस स्क्रीन के लिए एबिक थम्सअप। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको इसकी स्क्रीन का इंटरफेस किस टाइप का लगा। कैमरा क्वालिटी की बात की जाए गाइस, तो इसमें 64 MP का आपको बैक कैमरा मिलता है, जो कि एकदम मस्त है गाइस। मैंने इसके फोटोज़ वगैरह क्लिक किए, मुझे तो इसका कैमरा बहुत ही शानदार लगा। और 32 MP का आपको यहाँ पे सेल्फी कैमरा मिल जाता है, सेल्फी कैमरा भी एकदम ज़बरदस्त है। और सेल्फी कैमरा की ये जो प्लेसमेंट है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, मिडिल स्क्रीन में बीच में एक छोटा सा पॉइंट है जो कि हमारा सेल्फी कैमरा है। तो मेरी तरफ से इस कैमरे के लिए एबिक थम्सअप, आप एक बार इस कैमरे को ज़रूर ट्राई कीजिए। प्रोसेसर की बात करें गाइस, तो इस मोबाइल का प्रोसेसर मुझे एकदम बेस्ट लगा, बहुत ज़्यादा मैं गेम्स वगैरह खेलता रहता हूँ, वीडियोस वगैरह काफ़ी देखता हूँ, इसके प्रोसेसर ने कभी भी मुझे इरिटेट नहीं किया है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैंने काफ़ी सारी फाइल्स यहाँ पर ओपन कर रखी हैं, और एक साथ अगर इतनी इतनी फाइल्स भी आप इस मोबाइल में यूज़ करेंगे तब भी कभी भी ये प्रोसेसर आपका हैंग वगैरह नहीं करेगा। और देख सकते हैं कितनी स्मूथली वर्क कर रहा है इस प्रोसेसर की हेल्प से, आप पबजी वगैरह आराम से, पबजी तो खैर बैन हो गया है, या कोई भी हाई क्वालिटी की गेम्स वीडियोज़ वगैरह आसानी से इसमें प्ले कर सकते हैं और इस प्रोसेसर का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रोसेसर आपको कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। बात करते हैं इस मोबाइल के चार्जिंग की गाइस, तो चार्जिंग मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगी, जैसा कि मैं फोकस करके दिखा रहा हूँ, लगभग 60% बैटरी हमारी अभी भी चार्ज है। और अभी हो रहे हैं दोपहर के 3 बज रहे हैं, मैंने इस मोबाइल को सुबह चार्ज किया था और अभी तक ये मोबाइल 60% मेरा अभी भी बचा हुआ है। बैटरी लगभग इसकी 2 दिन आराम से चल जाएगी, जैसे कि आप लोग बैटरी देख सकते हो।
और इसमें जो आपको चार्जर मिलता है गाइस वो एकदम 33 वाट का चार्जर है, बहुत ही जल्दी मोबाइल को फास्ट चार्ज कर देता है, तो चार्जिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली और मोबाइल आराम से आपका 2 दिन का बैटरी बैकअप अच्छे से प्रोवाइड कर देगा। हीटिंग इशू की बात करें गाइस तो इस मोबाइल में मुझे अभी तक कोई भी हीटिंग इशू देखने के लिए नहीं मिला है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर गेम खेल रहा हूँ और इसी साथ में अभी आपको एक वीडियो भी प्ले कर दिखाऊंगा। 3-3, 4-4 घंटे तक मैंने इसमें वीडियो प्ले किए हैं, गेम्स वगैरह खेले हैं, मुझे अभी तक ज़रा सा भी कोई भी हीटिंग इशू नहीं मिला। चार्जिंग के वक्त ये मोबाइल आपको थोड़ी सी हीट प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन जब कभी भी आप इस मोबाइल को यूज़ कर रहे होंगे, फिर चाहे आप वीडियो देख रहे हो या कोई गेम वगैरह खेल रहे हो, आपको कभी भी कोई भी थोड़ी सी भी हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं देखने की मिलेगी। इस मोबाइल में मुझे यही प्लस पॉइंट लगा गाइस कि ये मोबाइल ज़रा सा भी हीट नहीं मारता है। तो मेरी तरफ से हीटिंग के मामले में इस मोबाइल को एपिक थम्स अप। प्राइस की बात करें गाइस तो स्क्रीन पर आपको इस मोबाइल के प्राइस दिख रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस मोबाइल में 3 वेरिएंट हैं, तीनों वेरिएंट की कॉस्ट अलग अलग है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं तीनों मोबाइल्स के लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। शॉर्ट में अगर अपना ओपिनियन दूँ गाइस तो इस बजट में ये मोबाइल मुझे बेस्ट लगा। तो ये था आज हमारे Redmi Note 9 Pro Max का शॉर्ट रिव्यू। अब मैं आपको इस मोबाइल के कुछ माइनस पॉइंट और इसके कुछ प्लस पॉइंट बताता हूँ जो कि मैंने इस मोबाइल में ऑब्जर्व किए हैं। तो मुझे इस मोबाइल में खाली 2 माइनस पॉइंट लगे हैं। पहला तो इसका कैमरा प्लेसमेंट जो कि थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ है, अगर इसके कॉर्नर राउंडेड नहीं होते तो ये हमारे उंगली में भी टंग सकता था। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आप इसको बैक करके रखेंगे तो आपको रखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, हिलने में लगेगा। और इसका जो दूसरा माइनस पॉइंट है गाइस वो ये है कि इसमें सुपर अमोल्ड डिस्प्ले आपको नहीं मिलती। अगर आप सुपर अमोल्ड डिस्प्ले फ़ोन पहले यूज़ कर चुके हैं तो इस मोबाइल के डिस्प्ले में आपको कोई खास मज़ा नहीं आने वाला है। इस प्राइस रेंज में हमें सुपर अमोल्ड डिस्प्ले मिलनी चाहिए थी। तो अब बात करते हैं गाइस इसके प्लस पॉइंट की। नंबर वन, बैटरी एकदम औसम है, 2 दिन का बैकअप आपको आराम से मिल जाएगा। बैक कैमरा 64 मेगापिक्सल है लेकिन पिक्चर से एकदम HD क्वालिटी की क्लिक करता है, नो डाउट कैमरे की तरफ से बिल्कुल थम्स अप। प्रोसेसर जो है वो गाइस एकदम बढ़िया वर्क करता है, बिल्कुल भी हैंग वगैरह कभी भी सेट ने नहीं मारा है इन 10 दिनों में। हीटिंग इशू जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल भी हीट नहीं मारता। चार्जर के वक्त थोड़ा सा हीट हो सकता है, बाकी कभी भी हीटिंग की दिक्कत नहीं आएगी। और जो बैक पैनल है गाइस वो तो बिल्कुल क्लासी लुक प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से मैंने इस मोबाइल को बाय किया है। देख सकते हैं कितना शाइनी लुक है। एंड गाइस लास्ट में बात करेंगे इसके सेंसर की जो कि इसके पावर बटन में ही दिए गए। Xiaomi ने इस बार कुछ नया करने की कोशिश की है और मुझे ये फिंगरप्रिंट बहुत ही बढ़िया लगा। देख सकते हैं यहाँ प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ये फिंगरप्रिंट प्लेसमेंट मुझे बहुत ज़्यादा ऑसम लगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं आपसे फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और जो लोग ये वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। उसका फायदा होगा कि जब भी इस टाइप की मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो बस गाइस मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑलवेज वर्क हार्ड बट नेवर गिव अप। हिट वीडियोज होंगी ज़्यादा, ये है टेक्निकल आराम का वादा।